आप सभी का स्वागत है ईआईएस पुश क्वेश्चन में। यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन वितरण कराने को लेकर अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटियों की ओर से ये जो फॉर्म है वो जारी किए जा रहे हैं। फॉर्म जारी करके आपसे कुछ बेसिक डिटेल लिए जा रहे हैं और इसी बेसिक डिटेल पे आपके जो वेरिफिकेशन है वो किए जा रहे हैं। तो कौन से ईयर के छात्र छात्रा इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्या पूरी जानकारी, इसको लेकर सारी बातें बताने से पहले आप लोगों के कॉलेज यूनिवर्सिटी की ओर से जो वितरण करवाए गए हैं वो आप लोग देख लें कि अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी की ओर से जो वितरण है वो करवाए गए और इसी नवंबर के महीने के फर्स्ट वीक में जो वितरण है वो आप लोगों के कॉलेज यूनिवर्सिटियों में करवाए गए हैं। और ये बताने का खास तौर पे मेरा मकसद ये होता है कि आप लोगों को पता हो कि अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी में वितरण करवाए जा रहे हैं, क्योंकि कई सारे छात्र छात्राएं अपने फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के लिए जो वेरिफिकेशन के काम है वो नहीं करवा रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में वितरण हो रहा है और उस लिस्ट में उन छात्र छात्राओं के नाम नहीं आ रहे हैं। फिर वो अपने कॉलेज से पूछ रहे हैं तो कॉलेज कह रहे हैं कि आपका वेरिफिकेशन ही नहीं हुआ और इसकी वजह से आपको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, भले देर से ही आपको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ देखने को मिले, लेकिन जब भी वितरण कॉलेज की तरफ से करवाया जाएगा तो आपको कम से कम फ्री टैबलेट स्मार्टफोन मिल तो जाना चाहिए। लेकिन आप लोग अगर खुद से वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे और कॉलेज की तरफ से वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा तो जब भी कॉलेज में वितरण हो फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए खास तौर पे हम आप लोग को बता देते हैं कि किस किस कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहाँ कहाँ पे वितरण करवाया जा रहा है, क्योंकि ये किसी कॉलेज की तरफ से या फिर किसी एनजीओ की तरफ से नहीं करवाया जा रहा है, ये सरकार की योजना है, पूरे यूपी में करवाया जा रहा है। सरकार के काम है फ्री टैबलेट स्मार्टफोन के वितरण हर कॉलेज यूनिवर्सिटी को हर हाल में करवाने होंगे, भले देर से करवाएं जल्दी करवाएं लेकिन करवाना तो होगा ही। तो इसलिए आप लोग के कॉलेज में जब भी वेरिफिकेशन करवाया जाए आप लोग वेरिफिकेशन करवा दीजिए। ये मत सोचिए कि अभी तक आपको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन नहीं दिया गया तो नहीं दिया जाएगा। खैर ये सारी चीज़ें आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए और बिल्कुल ध्यान से अपने वेरिफिकेशन करवा। यहाँ पे ये पूरा जो फॉर्म जारी किया गया वो देवनागरी महाविद्यालय मेरठ की तरफ से जारी किया गया। ये केवल एक कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात नहीं, आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं आपके कॉलेज की तरफ से यही जो बेसिक डिटेल हैं वो आप लोगों से लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख ले जो जो बात इसमें कहा गया है कि सबसे पहले छात्र छात्राओं के नाम, फिर आपके माता पिता का नाम, आप यहाँ पे कौन से कोर्स में हैं, आपका सेक्शन रोल नंबर कौन सा है, और इसके साथ ही यहाँ पे केवल जो लास्ट ईयर के छात्र छात्रा हैं वही इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और वही यहाँ पे जो अपने रोल नंबर है वो फिलअप करेंगे। उसके बाद से आपको आधार नंबर देना है, फीस रसीद का दिनांक और क्रमांक देना है, फिर आपके स्मार्टफोन की सूची में क्रमांक संख्या वो जब आपके फ्री टैबलेट स्मार्टफोन दिए जाएंगे उस टाइम पे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, फिर आपके मोबाइल नंबर, फिर आपका पता यहाँ पे देना है। इसके बाद से यहाँ पे आपको जो जो डॉक्यूमेंट लेके जाना है, यहाँ पे लिखा भी गया है कि नोट उपयुक्त अभिलेखों की मूल प्रति भी साथ लाए, और यहाँ पे आपके 17 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक जो वेरिफिकेशन के काम है वो किए जाएंगे, जहाँ पे आपके आधार कार्ड, कॉलेज आईडी की फोटोकॉपी, फीस रसीद की फोटोकॉपी और इसके साथ ही आपके अंतिम वर्ष की परीक्षा के जो एडमिट कार्ड की जो फोटोकॉपी है वो भी आपको लेके आना है। यानी कि जो भी छात्र छात्राएं इस बारी पास आउट हुए हैं 2023 में, जितने भी लास्ट ईयर के छात्र छात्राएं थे वो जो पास आउट हो चुके हैं, और इसके साथ ही जो अभी इस बारी जो लास्ट ईयर में है वो सभी छात्र छात्राएं इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को फोटोकॉपी के साथ ही ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है वो ले जाके अपने कॉलेज में वेरिफिकेशन करवाना है। 2 दिनों तक जो वेरिफिकेशन है वो कॉलेज में करवाया जाएगा। इसी तरीके से हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपके वेरिफिकेशन के काम करवाए जा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको तत्परता के साथ अपने वेरिफिकेशन करवा लेना है। इसके साथ ही यहाँ पे आपके फोटो भी होने चाहिए, तो यहाँ पे आप लोग को फोटो लगा देना है, और साथ के साथ यहाँ पे जो सारी बातें बताई गई हैं जिस डेट में कहा गया उसी डेट में जाके आपको वेरिफिकेशन करवाना है। तो आप लोग जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पता करते रहिए, वहाँ से जाके जो वेरिफिकेशन के काम है वो आप करवा लीजिए, क्योंकि हर दिन किसी ना किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में वितरण करवाया जा रहे हैं। 2024 में इलेक्शन है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल आप लोग के फ्री टैबलेट स्मार्टफोन में तेजी देखने को मिलेगा और इसी तरीके से जो वेरिफिकेशन है वो करवाया जाएगा। लेकिन अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी की ओर से आपका वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा तो जब भी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का वितरण हो आपको लाभ नहीं मिलेगा, तो इसलिए वेरिफिकेशन करवा दीजिए। बाकी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें।